पानी पीते? नहीं। चाय पीते? नहीं। सिगरेट पीते क्या? नहीं। तंबाकू खाते क्या? नहीं। पंखा मिलाते क्या? ए। आऊ। अरे बाबा, आप में तो कोई भी बुरी आदत नहीं, नौकरी आपकी पक्की। ऐसे कैसे? हाउ में आ दिल फेंक हैदराबादी दिला की आवाज आ सुनता, इतने सालों से दिल्ली में झक्कनी मार रहा हूँ। अरे दिल फेंक मियाँ, एकदम सही पहचान आपने, नंबर वन हूँ मैं, नंबर वन, सारी डिग्री से मेरे पास। हाँ? हाँ। फिर तो आपको चार मीनार से कुतुब मीनार तक कोई भी नहीं अड़ता बाबा। मेरा नाम दिल फेंक हैदराबादी, आपका क्या? मेरा नाम शिव, शिव कपूर। शिव कपूर, पूजा कुछ कर वरना तेरे हाथों से ही नौकरी चली जाएगी, कुछ कर, कुछ सोच। क्या लकीरा है, क्या लकीरा है मियाँ, हमें भूल न जाना। अरे 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 दिल फेंक मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं थोड़ी ना आपको भूलूंगा। डोंट वरी दिल फेंक मियाँ, जरा यहाँ भी आइए, गुफ्तगू बंद कीजिए, आइए जनाब। जनाब बुलाते हैं हमें, बड़ी इज्जत करते हैं मियाँ हमारी, भूल न जाना। डोंट वरी, आप जाइए। चलता हूँ। Don't worry, it's time for you to worry, buddy. Papa, Papa, Papa. Hello. Hello. कौन है आप? क्या काम है आपको? जी, वो, जी. बैठिए, बैठिए ना. जी. अच्छा खड़े हो जाइए. अच्छा मैं ही बैठ जाती हूँ. Okay. बैठिए. ये क्या है आपके हाथ में? जी मेरी सारी डिग्रीज हैं. Oh. पापा की ऑफिस में नौकरी के लिए? जी वो क्या है कि कुछ ही दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट के लिए, उसी सिलसिले में। ओह माय गॉड, हाउ सैड, व्हाट अ ट्रेजेडी, दिस इज सो अपसेटिंग। क्या हुआ? वो क्या है ना, आज सुबह ब्रेकफास्ट पे पापा के मोबाइल पे एक बहुत बड़े आदमी का फोन आया और आपकी नौकरी गई। गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे एक फोन आ गया और मेरी नौकरी चली गई, आपके पापा कहाँ हैं? ठंडा दिमाग रखी, बैठी। आपको आगे जाना है ना, बहुत ही आगे। Of course, madam. ठीक है, तो फिर इस पापा की बेबी पर भरोसा रखिए और अब यहाँ से जाइए। ओके। ओके। कमाल है, इतने बड़े बाप की बेटी और इतनी रहमदिल। मैडम नहीं नहीं, नो नो, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। इट्स ओके। तो ओके, मैं ये आपके साथ छोड़ दूँ? ये क्या है? वो क्या है कि वो सिर्फ मेरे नाम से थोड़ी मानेंगे, आप उन्हें मेरी काबिलियत दिखाइए फिर जाके मानेंगे। तो फिर मैं आपसे कब मिलूं? नहीं नहीं, आप मुझसे मत मिलिए, मुझसे मत मिलिए, मैं आपसे मिल लूंगी। आपका नाम पता है ना इसमें? है ना इसमें? ठीक है, तो अब तुम जाओ वरना मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। जाइए ना, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके, अब क्या है? आपने अपना नाम नहीं बताया। पूजा। पूजा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। थैंक यू। मेरा नाम है शिव कपूर। शिव कपूर जी, बाय, सी यू। ओके, बाय। भूलिएगा मत। नो नो, आई रिमेम्बर। ओके, बाय, गो। तेरी तो, ओए रिक्शा वाले, दिल्ली शहर की परंपरा कायम रखने का शुक्रिया, ठोक दी ना मेरी सोनी गड्डी। सोनी बहना ने सोनी गड्डी ठोकी, राजीव भैया मुझे नौकरी मिल गई। की गल है, बड़ी चंगी खबर है, मतलब इस पूजा कश्यप आजकल आपका रात रात जागना, हमें जगाए रखना, आखिर कब आई गया है? Absolutely, brother. Now I'm an independent girl. मैं अपनी हर जिम्मेदारी खुद निभा सकती हूँ। ले ओ जी, छुट्टा रखो जी और फटो जी। भैया। ओहो। क्या बात है? बड़ा प्यार हो रहा है भाई बहन में। ओए भाभी, ऐसी खबर सुनाऊंगी कि आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। कम ऑन भैया, भाभी को खबर सुना। कम ऑन भैया, कम ऑन। ठहरो मुझे। आई बीट यू। भाभी। किट्टू बहन जी, कमाल की खबर है। बहन जी, माय फुट। अरे पूजे। भाभी, किट्टू भाभी के बाद क्या कर रही हो? भाभी, जरा उनकी हालत तो देखो और कितना भगाओगी। अरे नहीं, सांस चढ़ गई है तुम्हारी भैया की। अरे ओ भाभी, भैया की सांस खुशी के मारे फूल गई है क्योंकि मुझे एग्जीक्यूटिव मैनेजर की नौकरी जो मिल गई है। शुक्र है, अब तो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तू। अरे लो, खड़ी हो गई। अब तुम भी खड़ी हो जाओ। किस खुशी में? आज आपके खाना ना बनाने की खुशी में। आज डिनर हम आपको खिलाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। मे आई कम इन सर?
Yes, come in. Oh, sir, sir. Speak up, girl. What is it? Sir, मैंने आज का पूरा काम खत्म कर लिया और कल का भी काम किया है और वो डिटेल फैक्स भी भेजा है. Anything else, sir? Good, good. Now attend to these files also. Of course, of course. बस इतना ही. Yes, you may go now. Okay. Sir. सर, मेरा एक काम था. तो? वो क्या है ना सर, मेरा एक दोस्त है, इतनी सारी डिग्रीज है उनके पास, एंड इज आल्सो वेरी फिजिकली फिट सर, स्पोर्ट्स में एकदम अव्वल नंबर है, और कोई बुराई भी नहीं है उसमें. अच्छा, तो मैं क्या करूं? सर, उसे एक नौकरी दे दीजिए. ठीक है, अभी के अभी उसे यहाँ भेज दो, उसे नौकरी मिल जाएगी. रियली सर, आई एम सो एक्साइटेड. थैंक यू सो मच सर. पर सर, कौन सी नौकरी देंगे उसे? तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह उसे रख लूंगा. जी? तुम्हें इस दफ्तर में आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम दूसरों को नौकरियां दिला रही हो. मन लगाकर काम करना है तो करो, वरना आई लाइक टू शो यू द डोर. सॉरी पापा. व्हाट? ओह सॉरी सर, सॉरी सर. ओके सर, आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम सॉरी. ओह लेट हो गया, 9 बज गए. बाय किटू, बाय पूजा. 9 बज गए, लेट हो गई, लेट हो गई, लेट हो गई. एक मिनट, लेट होने की इतनी ही फिक्र है तो दोनों जल्दी क्यों नहीं उठते? बिल्कुल एक जैसे है भाई बहन. फोन मेरी चाबी कहाँ गई? भैया, I'm getting very late. Please मुझे ऑफिस छोड़ दो. Are you mad? पूजा, तुम्हारा ऑफिस उस तरफ है, मेरा ऑफिस इस तरफ. नहीं, no, impossible. नहीं पूजा, impossible है. No, पूजा. It's very important that I reach on time. Please. सलाम साहब. अरे भीखू सिंह, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब के काम से जा रहा हूँ. ओह सीपी. अच्छा अच्छा. ये कौन है? मेरे बॉस की गाड़ी है, उनका ड्राइवर है. भैया ये भी उसी तरह जा रहे हैं, इन्हें कह दो ना मुझे छोड़ने. ओके, ओनली दिस टाइम, प्रॉमिस. भिखू सिंह, मेरी बहन है, उसे सीपी तक छोड़ सकते हो? जरूर साहब. थैंक यू, थैंक यू. जा जा. थैंक यू भैया, सी यू इन द इवनिंग, लव यू, बाय बाय बाय. हां बाय बाय. पूजा जी, अरे पूजा जी, पूजा जी, अरे पूजा जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट पूजा जी, अरे पूजा जी एक मिनट, पूजा जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट पूजा जी. अरे पूजा जी खिड़की तो नीचे करिए. मैं शिव, शिव शिव कपूर, आपको ऑफिस में मिला था, याद है आपको? पूजा जी. पूजा जी आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे. थैंक यू भिखू सिंह जी, अब जाइए. चंगा जी. पूजा जी, ये चिपकू कहां से आ गया? क्या पूजा जी, इतनी देर से मैं आपको आवाज दे रहा हूँ और आप मुड़ के देखती नहीं. आपकी गाड़ी आगे हवा में उड़ती जा रही है और मेरी बाइक पीछे पीछे. अच्छा. हाँ, वैसे आप सुनती भी कैसे, पहले से इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके ऊपर फुली एयर कंडीशन, चारों खिड़कियां ऊपर. आपका दोष भी क्या है? अच्छा बताओ बात क्या है. हाँ पूजा जी, आज का अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा आपने? ये देखिए क्या है इसमें. अरे आपके ऑफिस ने इतना बड़ा इश्तिहार दिया है, कमाल है पूजा जी, आपकी होती ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर से आपके पापा के ब्रेकफास्ट टेबल पे एक बड़े आदमी का फोन आएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी ना. ओहो, ना समझो तुम तो समझते ही नहीं. अरे बाबा, ये इश्तिहार मैंने दिया है. क्यों? सर्कुलेशन में रहने के लिए करना पड़ता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए. अच्छा. लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं हूँ ना, पापा से बात कर चुकी, तुम्हारी नौकरी पक्की. हाँ, पक्की पक्की. तुम्हें जाके मिलूं उनसे, पापा से? हाँ, इंटरव्यू है मेरा उनके साथ. इंटरव्यू? अच्छा सुनो, इंटरव्यू बहुत होशियारी से देना. हाँ. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सिफारिश की है, समझे? वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, पापा को भी नहीं. ओके. अच्छा जाओ. चलो जाओ. थैंक्स अ लॉट. मुबारका मुबारका जनरल मैनेजर साहब. अब देखो ये दिल पैक हैदराबादी कैसे दिल्ली में बैठ को आपको बैंगन का भरता और हैदराबादी बिरयानी खिलाता, तड़का मारको जाफरान छिड़को. शुक्रिया मियां, शुक्रिया. वैसे मियां, उस दिन आपके मिलने के बाद ही शिफ्ट का नया सफर शुरू हुआ. वैसे एक बात है हजरत, अगर उस रोज आप यही चिपक को रहते तो ये जगह कहाँ से आपको मिलती? वही निचली सीढ़ी पर लटक कर रह जाते. ये सब पूजा जी की कृपा है. पता है
जब तक जीऊंगा ना सिर्फ पूजा जी की पूजा करूंगा। पूजा? कौन पूजा? ओ वही मैनेजर है साहिबा। अरे क्या बात कर रहे हो मियां, मालकिन को नौकर का दर्जा दे रहे हो? अनबिलीवेबल। पूजा जी की वजह से ना जाने कितने गरीबों को नौकरी मिली है। अब मेरी बात ही ले लो, अगर वो अपने बॉस पापा जी से मेरे लिए सिफारिश नहीं करती तो क्या हम दोनों शानदार एयर कंडीशन ऑफिस में बात कर रहे होते? ला हौल वला कुव्वत हजरत, आपकी बात सुनकर मेरे भेजे का खट्टा सालन बनता ना। अरे वो पोटी आपको लट्टू की तरह घुमा डाली ना, उस रोज आपको सटका कर आपकी नौकरी हजम कर ली, डक्कर भी नहीं ली। उतच मतलब? मतलब ये कि उन्हों सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है साहिबा और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हमारे बॉस पापा कोई प्यारे पापा नहीं है? अरे वो चोपड़ा खूसट काहे का पापा बाबा, उन्हों आज तक तो खुद कुंवारे बैठे बैठे। कोई सिफारिश विफारिश नहीं की? अरे मेरे बम बम भोले, मेरे मिट्टी के माधव, सिफारिश तो बहुत दूर, उन्होंने कहीं जिसे आपकी सब तरक्की के रास्ते काटते जा रहे हैं। अच्छा तो मुझे जम के बेवकूफ बनाया? हाँ। और पूरी दिल्ली घुमाया? हाँ। ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। दिलपेक भैया सर जाके उसको बुलाना, अभी देखता हूँ उसको। बुला उसको। बुलाता हूँ उसको। जम के झिड़को बाबा, आपका हक है, आप जनरल मैनेजर है, ऐसी वैसी बात नहीं है। आने दो उसको, अब दिखाता हूँ मैं कि ऐसी फिरकी लेता हूँ कि वो फिर कभी नहीं सोचेगी उसकी तो। हेलो 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 हेलो, आइए 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 आइए। क्या बात है क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड हैपनिंग हाँ? खुश बैठ जाओ, खड़े क्यों बैठ जाओ, रिलैक्स। अरे नहीं 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 पूजा जी, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इम्पॉसिबल, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओह नो नो, अपने हाथ से मेरी डिग्री लेके आपने मेरी बिगड़ी बनाई है। नाश्ते के टेबल पर अपनी तशरीफ रख के अपने प्यारे पापा से मेरी सिफारिश की है। करती रहती हूँ। उड़ती हुई मर्सिडीज कार में बैठकर आपने अपने बारे में नहीं सोचा? नेफा। नहीं, सिर्फ मेरे बारे सोचा। हाँ, वो तो है। वाह वाह पूजा जी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बदले आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया। जनरल मैनेजर शिव कपूर, जनरल मैनेजर। फैंटास्टिक पूजा जी, क्या बड़प्पन है आपका, कमाल का है, कमाल का, वेरी गुड। नहीं नहीं, बताइए चाय पियेंगे आप? चाय? आई डोंट माइंड अ कॉफी। आई डोंट माइंड अ कॉफी। अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। जी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बेवकूफ बनाया? शिव शिव, सर बोलो सर। सर पूजा जी, मैं आपकी पूजा कर करके थक गया और आप मुझे चारों ओर घुमाती रही। प्यारे पापा की लाडली बेटी, गरीबों की हमदर्द, सिफारिश की महारानी, क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। पहली मुलाकात में मुझे ही शेंडी लगा कि मेरी नौकरी हजम कर ली तुमने। नहीं, नहीं। और फिर जब तुम्हारा पेट नहीं भरा तो फिर फाइव स्टार होटल में कढ़ाई पनीर, दम आलू कश्मीरी, हरे भरे कबाब अपने भैया भाभी के साथ चटकारे लेके खा रही थी। मैं पागलों की तरह सारा दिल्ली शहर घूमता रहा तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम मैडम थिएटर में बैठ के लेटेस्ट पिक्चर देख रही थी। फिर भी इस गरीब ने इस पत्थर दिल के लिए असली घी के लड्डू बनवाए, असली घी के। तो अब बताओ पूजा जी, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ। सर जनरल मैनेजर साहब, ठीक है, आप जो सजा दी मुझे मंजूर है। शो शो, जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ करूंगी। मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी।